भी तुम्हें कुछ दिखाना है, देना है। दोस्तों, बॉलीवुड में हर साल कई सुपरहिट या सुपर फ्लॉप फिल्में आती हैं, लेकिन आज हम आपको जिन फिल्मों की बात बताने चाह रहे हैं उन्हें कभी रिलीज ही नहीं होने दिया गया। जी हाँ, और इसी की वजह बस ये थी कि इनके कंटेंट में कुछ ऐसा था जो 5 साल के बच्चे को एकदम 25 साल का बना सकती है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक, हो सकता है इनमें से कोई आपकी भी फेवरेट फिल्म भी हो। भाई पर हम ना बोलेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर आपका दुनिया को मालूम पड़ेगा। ब्लैक फ्राइडे, अनुराग कश्यप की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म 1993 में हुए मुंबई हमले पर आधारित थी, लेकिन चौंकने वाली बात ये थी कि सेंसर बोर्ड ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इस फिल्म में भी शायद जरूरत से ज्यादा रियल बातें बताई गई थी जो सरकार को पसंद नहीं आई थी। इस मूवी में ये बताया गया था कि साल 1993 में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें कैसे पुलिस ने अपना काम किया था। इस मूवी में के मेनन और पवन मल्होत्रा जैसे एक्टर्स ने बेहतरीन एक्टिंग की थी। बता दें कि ये मूवी हुसैन जैदी की एक फेमस नोवेल पर बेस्ड है, और अनुराग कश्यप जिस डार्क साइड को एक्सप्लोर करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं उसे बेहद बारीकी से इस फिल्म में दिखाया भी गया है, और यही वजह है कि उनकी बारीकी इस फिल्म पर भारी पड़ गई और मूवी ही बैन हो गई। खैर, अब समय बदल गया है तो इसलिए ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, नहीं तो शायद ये मास्टरपीस भी आपसे दूर रह जाता। अनफ्रीडम, दोस्तों हमारे देश में काफी सालों से एक ही तरह के शख्स से प्यार करने को एक टैबू माना गया है। इसी टॉपिक पर एक मूवी 2015 में आई जिसका नाम था अनफ्रीडम, लेकिन इस फिल्म को भी बैन कर दिया गया। इस फिल्म के बैन करने की कहानी भी बिल्कुल अलग थी। दरअसल इस मूवी में दो लड़कियों के बीच को प्यार को दिखाया गया है, और इस फिल्म में कई ऐसे सीन्स थे जिन्हें देखते ही सेंसर बोर्ड ने इसे बैन करने में टाइम नहीं लगाया। अगर हम इस फिल्म के कास्टिंग की बात करें तो इसमें आदिल हुसैन, सीमा रहमानी और प्रीति गुप्ता ने काम किया है। हालांकि आज आप इस फिल्म को YouTube पर जरूर देख सकते हैं। बैंडिट क्वीन, 1994 में आई ये फिल्म एक रियल लाइफ डाकू फूलन देवी पर बेस्ड थी। उसमें मनोज बाजपेयी, सीमा बिस्वास और सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर शामिल थे, और इसे शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था। आपको बता दें कि ये फिल्म पूरी दुनिया में खूब पॉपुलर हुई थी, लेकिन फिर भी इसे इंडिया में बैन कर दिया जाता है। इसकी वजह थी इसका अपने टाइम से आगे की फिल्म होना। आसान भाषा में समझाएं तो 1990 के टाइम पर इस फिल्म में वो हर चीज थी जिसे दिखाकर आज ज्यादातर मूवीज पैसा कमा रही हैं, यानी कि गोलियां, गालियां और वो सब जो आप भी सुनना चाह रहे हो। इसी वजह से सिनेमा हॉल में कभी रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन बाद में YouTube पर इसे खूब देखा गया, और इस फिल्म ने बाद में सीमा बिस्वास और मनोज बाजपेयी जैसे ग्रेट एक्टर्स के सितारे बुलंद कर दिए। पिंक मिरर, 2006 में एक मूवी आई पिंक मिरर। इस मूवी के डायरेक्टर श्रीधर रांगियान ने पुरुषों और स्त्रियों के बेहद संवेदनशील मुद्दों को दिखाया था। इस फिल्म में ट्रांस वुमेन का एक समलैंगिक टीनेजर लड़के के साथ रिलेशन दिखाया गया। ये प्रोबेबली पहली ऐसी मूवी थी जिसमें शादी के कई मुश्किल मसलों को एक साथ दिखाया गया था, लेकिन सेंसर बोर्ड को शायद इस फिल्म का प्रोग्रेसिव ख्याल कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे बैन भी कर दिया। वो तो भला हो नेटफ्लिक्स का जहाँ ये मूवी आज भी अवेलेबल है। अब उठे हैं मोतीलाल, कुछ कर दिखाएंगे, ये हराम खोर कुछ नहीं कर पाएंगे, मुंह के सुन। पांच, दोस्तों गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर अनुराग कश्यप किसी विवाद में ना आए ऐसे तो मुश्किल ही है। 2003 में उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था पांच, और ये फिल्म भी कभी पर्दे पर नहीं आ पाई थी। आपको बता दें कि ये फिल्म 1976 के जोशी अभयंकर केस पर बेस्ड थी। इस फिल्म में के मेनन, आदित्य श्रीवास्तव, विजय मौर्य, जॉय फडणवीस और तेजस्विनी कोल्हापुरी जैसे सितारे मौजूद थे। पहले तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में खूब कट लगाए, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म रिलीज ना हो सकी और इसे बैन ही करना पड़ा। खैर, भला हो इंटरनेट का कि ये फिल्म भी आज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। पांच फिल्म के बारे में एक और बात, और वो ये है कि इस फिल्म में के मेनन की एक्टिंग भी जोरदार थी। इस फिल्म के बैन होने के पीछे एक वजह ये भी थी कि ड्रग्स की काली दुनिया और अपराध की लाल दीवार को लोगों को देखने से रोका जाने जैसा था। वैसे आपको अनुराग कश्यप की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फोर,
फायर। अच्छा, शबाना आजमी की ये फिल्म जिस समय आई थी उस टाइम इस फिल्म को देखने के लिए ही नहीं बनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। इस फिल्म में भी दो अधेड़ औरतों के प्यार की कहानी कही गई थी और 1996 में आई डायरेक्टर दीपक मेहता की इस फिल्म में आज की मूवी से भी ज्यादा गंदे सीन थे जो इंडियन ऑडियंस के गले से शायद ही उतर पाते, इसलिए सेंसर बोर्ड ने इसे बैन करना ही ठीक समझा। इस फिल्म को लेकर पूरे देश भर में हंगामा मच गया था। शबाना आजमी और नंदिता दास जैसी एक्ट्रेस कई दिनों तक लोगों के गुस्से की वजह बनी रही। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या हमारे देश में ऐसी फिल्मों का विरोध सही है या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। सिंस दोस्तों, इंडिया में धर्म के साथ एक लव एंगल मिक्स करके जो मूवी बनी है उन्हें कई बार ऑडियंस के गुस्से का सामना करना पड़ा है। ऐसी ही एक फिल्म थी सिंस, जिसने 2005 में भूचाल ला दिया था। इस फिल्म में एक लड़की का एक चर्च के पादरी से अफेयर दिखाया गया था। यशराज बैनर्स की इस मूवी में शाइनी आहूजा और सीमा रहमानी मेन एक्ट्रेस थी और मूवी के कुछ सीन्स की वजह से इस मूवी को भी बैन करके सेंसर बोर्ड ने मूवी मेकर्स का पैसा बर्बाद कर दिया था। जी हां, एक चीज और इस फिल्म के बारे में, दरअसल कैथोलिक लोगों को यह फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी क्योंकि उनका कहना था कि इसमें कैथोलिक धर्म को गलत ढंग से दिखाया गया है। आपको पता है ना हमने भरत को क्या कहा था कि उम्र हम लोगों का कभी आदर मत करना, जो वेदों का अपने फायदे के लिए गलत मतलब निकालते हैं। वाटर दीपा महतो के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में जॉन अब्राहम और लीजा रे लीड रोल में थे। अपने हस्बैंड की अचानक से मौत हो जाने पर हिंदू आश्रम में जाने पर विधवा के साथ जो होता है उसी के इर्द गिर्द ये फिल्म लिखी गई है। इस कहानी का बैकग्राउंड पार्टीशन के आसपास का है जब देश में विभाजन से उथल पुथल मची हुई थी। इस फिल्म को लेकर भारत में इतना विवाद हुआ था कि इसे भारत में शूट ही नहीं होने दिया गया। जी हां दोस्तों, दीपा महतो के बनाए कई सेट्स में आग लगा दी गई थी और थिएटर तोड़ दिए गए, जिसके बाद इसकी शूटिंग श्रीलंका में की गई और अब ये YouTube पर ही मौजूद है। द पेंटेड हाउस, ये फिल्म एक बूढ़े शख्स और जवान लड़की के बीच के संबंधों पर आधारित है। इसके कंटेंट की वजह से इसे बैन कर दिया जाता है लेकिन ये YouTube पर आज भी मौजूद है। जी हाँ, इस मूवी को 2015 में बनाया गया था लेकिन इसे रिलीज नहीं किया जा सका क्योंकि हमारे देश में बॉलीवुड के हीरो रियल लाइफ में तो अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी कर सकते हैं लेकिन फिल्म में ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता। बता दें कि ये एक मलयालम फिल्म थी और बैन हो गई, हालांकि आप इसे YouTube पर आज देख सकते हैं। Nobody wants to die. Even I don't want to die. But I will die sometime. उर्फ प्रोफेसर, दोस्तों साल 2000 में बनी ये फिल्म यानी कि उर्फ प्रोफेसर में मनोज पाहवा की दमदार एक्टिंग की झलक दिखती है। डायरेक्टर पंकज आडवाणी की ये फिल्म ऐसे हत्यारे की कहानी है जो पैसों के लिए लोगों की सुपारी लेता है और उन्हें नर्क के दर्शन कराता है। हत्यारा प्रोफेसर रहता है जिसका केवल एक शौक है, डर्बी रेस पर पैसे लगाता है। संगी प्रोफेसर कई सालों से पैसा लगाता रहता है और जब उसकी किस्मत खुलती है तो पता चलता है कि रेस का टिकट दूसरी कार में छूट गया है। इसी को लेकर ये फिल्म बनी है लेकिन फिल्म को बैन कर दिया गया। बताया गया है कि इस फिल्म में डार्क कॉमेडी और डबल मीनिंग डायलॉग्स की भरमार है। तो दोस्तों, ये थी वो फिल्म जो इंडिया में अपने बोल्ड या फिर सेंसिटिव कंटेंट की वजह से बैन कर दी जाती हैं। इन मूवी का कंटेंट कुछ ऐसा था जो अपने टाइम से काफी आगे था, इसी वजह से हमारे देश की ऑडियंस को इनका कंटेंट कुछ हजम नहीं हुआ। आज जो बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड हम आए दिन हर फिल्म के लिए देखते हैं, असल में ये ट्रेंड काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। फिर चाहे फिल्म का कंटेंट कैसे भी हो, हमें इन फिल्मों से कुछ लोग दूर ही कर देते हैं।